हेलो एंड वेलकम टू यूनिवर्सल आईटीआई क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी बनने के लिए कौन सी बुक बेस्ट होती हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप यदि आपसे बिल्कुल भी नहीं बनता है, कुछ भी नहीं आता है, तब भी आप इन बुक को पढ़कर अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं, फिर उसके बाद हम बुक की बात करते हैं। तो आपको यदि आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैं वीडियो की लिंक डाल दूँगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न को शॉर्ट में करके। तो सबसे पहले आपका CBT 1 होता है एग्ज़ाम, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपके मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत आपके GK के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं इसमें CBT 1 में। और CBT 2 पार्ट भी आपका CBT 1 के ही सब्जेक्ट रहते हैं, बस यहाँ पर क्या होता है आपके मार्क्स और टाइमिंग थोड़ा सी बढ़ा दी जाती है CBT 2 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CBT 1 एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए किन बुक को पढ़ना चाहिए। तो CBT 1 के सब्जेक्ट आपके होते हैं मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट अफेयर, इस सारे आपके CBT 1 के सब्जेक्ट हैं। तो मैथ के लिए आपको, यदि आपसे बिल्कुल भी मैथ नहीं बनती है, जीरो हैं आप मैथ में, तो आप सबसे पहले डॉक्टर RS अग्रवाल सर की बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। यह बुक आपको यहाँ साइड में दिख रही होगी, या इसको यदि आप परचेस करनी है तो स्क्रीनशॉट लेकर, या आप डॉक्टर RS अग्रवाल सर को ऑनलाइन सर्च करके वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। यदि आप मैथ में बे अच्छे खासे हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है, तब आप रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं मैथ के लिए। अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी। तो रीजनिंग के लिए भी आप रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक ही ले सकते हैं, यहाँ साइड में आपको दिख रही होगी, रुक्मणी पब्लिकेशन की ही लेंगे मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए। यदि आपकी दोनों चीज़ में आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, तभी आप रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक लीजिए, नहीं तो आप RS अग्रवाल की अंक गणित से अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद आती है जनरल साइंस के लिए कौन सी बुक पढ़ें। जनरल साइंस के लिए भी आप रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको ED के भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर उसके बाद करते हैं करेंट अफेयर के लिए क्या पढ़ें। तो करेंट अफेयर के लिए आप हर महीने आने वाली मैगजीन से या करेंट अफेयर की बुक से पढ़ सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की बुक से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं CBT 2 के लिए किससे पढ़ें, किन बुक से पढ़ें। तो CBT 1 वाली बुक को ही अच्छे से पढ़कर आप CBT 2 के सेम सब्जेक्ट होते हैं उनको भी क्लियर कर सकते हैं। बस यहाँ पर CBT 2 में आपका एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट भी जुड़ जाएगा जनरल साइंस के साथ, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने के लिए आप नीलकंठ पब्लिकेशन की बुक आती है, जो हर ITI स्टूडेंट के पास होती ही है। यदि आपके पास नहीं है तो आप उस बुक को परचेस कर लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। फिर उसके बाद करते हैं हम CBT 2 पार्ट बी के सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि आपकी ट्रेड के, ट्रेड की तैयारी कहाँ से करें, कौन सी बुक बेस्ट होती है ट्रेड की तैयारी के लिए। तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपकी ट्रेड की जो तैयारी है वो कैसी है, यानी कि आपसे बिल्कुल भी कुछ नहीं बनता है, आप थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, थ्योरी पढ़ के आप, थ्योरी भी नहीं पता है आपको कुछ भी, केवल आपने ITI ही कर ली है, पास कर ली है, तो आपको थ्योरी पढ़ने के लिए अरिहंत पब्लिकेशन या रुक्मणी पब्लिकेशन की यहाँ शो हो रही है बुक आप ले सकते हैं। इनकी जो थ्योरी है वो सबसे बेस्ट होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो NK पब्लिकेशन, नीलकंठ पब्लिकेशन और अरिहंत पब्लिकेशन की बुक लेकर ही
सारे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। यदि आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं तब भी आप नीलकंठ पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, या जो आप बुक लेंगे थ्योरी वाली, उसी थ्योरी बुक में आपकी नीलकंठ पब्लिकेशन में थ्योरी के क्वेश्चन रहते हैं आपके मिसलिनियस टाइप। और यदि आप अरिहंत भी लेते हैं, अरिहंत की भी थ्योरी का जो पैटर्न है वो भी बहुत अच्छा है, आप उसको भी पढ़ के किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ट्रेड के आपके सब्जेक्ट जो भी, जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई की है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, बेल्डर, डीजल मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, जो भी आप ट्रेड से हैं, आप इन नीलकंठ पब्लिकेशन और अरिहंत पब्लिकेशन की बुक को लेकर अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रेटजी किस प्रकार फॉलो की जाए कि पहले ही बार में आप रेलवे ALP बन जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी डाउट है रेलवे ALP से लेकर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।